हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी फेज 9 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें मैं बात करूँगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में टोटल 6 पोस्ट आई है, उसी के रिगार्डिंग इसमें किस पोस्ट को अप्लाई करें और इस पोस्ट में किसकी कट ऑफ जो है कम जाएगी, और सारा जो इतने भी पोस्ट आए हैं 6 पोस्ट, उसमें कितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसमें कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, सारा कुछ डिटेल्ड में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। पहला देखिए पोस्ट है आपका NE 10121, आर्टिस्ट के लिए पोस्ट आई है। ये हायर सेकेंडरी लेवल के लिए है। इसमें क्या क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन, आपने अगर 12th पास रखा हो, मतलब आपने कोई भी बोर्ड से 12th पास किया हो, साथ ही साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइन आर्ट्स में कोई भी इंस्टीट्यूट से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है मात्र, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। एज लिमिट है 18 से लेकर के 27 साल, और कोई भी जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे असम ही रहेगा आपका। नेक्स्ट पोस्ट है आपके सामने NE 10221, ये लाइब्रेरियन पोस्ट है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपसे डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, और साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए देखिए एक ही सीट है, और जो कि 18 से 27 ईयर्स एज लिमिट है, और यहाँ पे आपका असम में इनिशियल पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका रिसर्च एसोसिएट कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है, और इसमें आपसे मांगा गया है मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। किसमें? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में आपसे मार्क्स होने चाहिए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में 50% से ज़्यादा। 2 सीट है, एक सीट OBC कैंडिडेट के लिए है और एक सीट SC कैंडिडेट के लिए है। एज लिमिट है 18 से 30 साल। यहाँ सारे जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, और इनिशियल प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग होगा वो होगा शिलोंग, मेघालय। नेक्स्ट पोस्ट है आपका रिसर्च एसोसिएट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डिवीजन में। ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड है NE 10421। एक सीट है, जो कि SC कैंडिडेट्स के लिए। मास्टर डिग्री आपने किया हो एंथ्रोपोलॉजी से, जिसमें आपके पास 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 तक एज है, और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा वो होगा शिलोंग, मेघालय। इसके बाद है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स में, आपसे मांगा गया एक ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है। तो इसमें क्वालिफिकेशन देखिए, मास्टर डिग्री आपने कर रखा हो फिजिक्स से, या फिर अप्लाइड फिजिक्स से, या फिर कंप्यूटर साइंस से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर फॉरेंसिक साइंस से, विथ फिजिक्स एज द वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट से आपने अप्लाई कर रखा हो, जिसमें फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट था ड्यूरिंग द ऑल 3 ईयर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने BTech कर रखा है किसमें, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या टेलीकम्युनिकेशन, या कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सीट है, मात्र एक सीट है। एज लिमिट है आपका 18 से 30 साल, और यहाँ जो पोस्टिंग होगा वो देखिए कामरूप असम होगा। नेक्स्ट है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, इसमें से फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है। डिग्री आपको चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही सी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास NCC में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी है 44, 4 जनरल की 23 UBC OBC की, 2 SC की, 10 ST की और 5 EWS की, और इनिशियल प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग रहेगा वो आपका रहेगा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर मिजोरम।
तो ये सारे पोस्ट थे जो कि आपके आसाम रीजन से थे, मतलब अगर बोला जाए तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का, तो सारे पोस्ट को मैंने डिस्कस कर दिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगर आप कोई भी एलिजिबल होते हैं कोई भी पोस्ट के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।